इन हमारे सबसे पहले इस विद्यापीठ का और कुलगुरु आपको नमस्कार बताते हुए शारंगधर साठे जी के बारे में एक ही वाक्य कहना बहुत ज़रूरी है कि वो बड़े डायनामिक म्यूजिशियन थिंकर हैं। इनके साथ जितना भी मैंने थोड़ा बहुत इंटरेक्शन किया है उसमें से पता चला ये सही में म्यूज़िक एजुकेशन में एक पर्पस लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुतों को मालूम है इंस्टीट्यूशंस में सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री लेके क्या कहाँ तक रियली गाना बजाना पहुँचता है, ये कभी कभी प्रश्न आता है, और उसको ज़रा और मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल, और किस लिए सीख रहे हैं, ध्येय क्या है, क्यों सीख रहे हैं म्यूज़िक, आप लोग सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सोचा है। और ये जो जैसे वर्कशॉप का आइडिया है, ऐसे और बहुत सारे उनसे जो भी बातें हुई, इनका एग्जामिनेशन सिस्टम का है वगैरह वगैरह, तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि समबडी इज़ मूविंग अहेड विद अ क्लियर पर्सपेक्टिव, विद अ क्लियर विजन। नहीं तो विजन कभी कभी खो जाता है, वो धुंधला हो जाता है। तो ये इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए, शारंगधर साठे जी को। उनके रिक्वेस्ट पे आज घरानों के ऊपर थोड़ा सा बोलना है, तो अच्छा है, ये मेरा भी बहुत पसंद का सब्जेक्ट है। आप लोग जो भी चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए, और अगर चाहते हैं तो आपके मोबाइल को आप फ्लाइट मोड पे करके, ताकि फ़ोन न आए बीच में, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं मेरी बातों को। अच्छी बात, ओके, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि सबसे पहला घराना, आदि घराना जो है वो दिल्ली घराना है, और इस घराने में सबसे पहले नाम जो हिस्ट्री में हमको मिलता है उनका नाम था मियां सिद्धार खां ढाड़ी, उनका नाम था। ढाड़ी एक कम्युनिटी होता है, मियां सिद्धार खां उनका नाम था। ये सबसे पहले नाम मिलता है, और ये ज़्यादा पुराना नाम नहीं है, सिर्फ 300 साल पुराना है, क्योंकि हमारे संगीत जो है वो तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और पहले जो भी था ध्रुपद धमार पखावज मृदंग ये वगैरह था, लेकिन हिस्टोरिकल बुक्स में अकाउंट्स में जितने बड़े बड़े इतिहास लिखने वाले थे कहीं तबला का वर्णन नहीं आया इसके पहले। तो इसीलिए कभी कभी जैसे बहुत से लोग मानते थे, हम लोग सब मानते थे पहले, हज़रत अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी में से तबला भी बनाया, सितार भी बनाया, ख्याल भी बनाया, पर अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होता जा रहा है अभी और भी बातें साफ हो रहा है। तो हज़रत अमीर खुसरो बहुत उनके ज़माने में एक बड़े रिफॉर्मर थे, बहुत बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन उन्होंने किया, देर इज़ नो डाउट, लेकिन मियां सिद्धार खां उनसे 500 साल बाद आए, और वही पहला नाम हमको मिलता है, दिल्ली के रहने वाले थे। आप लोग याद रखिए सब नाम, मियां सिद्धार खां। पर हाँ, स्टैंड पड़ा ला ना, बस बस, ठीक है, थैंक यू। फिर दिल्ली घराने में उनके बाद भी पीढ़ियां आई, मुझे अभी सब एग्जैक्टली याद नहीं है, ये सब मेमोराइज किया करना मुश्किल होता है, बहुत से किताबों में मिल जाएगा आपको। तो उनके बेटे थे, दो तीन थे, एक का नाम अज्ञात है, एक घसीट खां करके थे,
कुछ लोग कहते हैं एक और बेटे बुगरा खां साहब भी थे, अभी कुछ लोग कहते हैं बुगरा खां साहब उनके ग्रैंडसन भी थे। तो जो भी है, तो इन लोगों के नेक्स्ट जनरेशन बुगरा खां साहब और उनके भी बाद जो जनरेशन आया सिताब खां साहब, सिताब खां साहब गुलाब खां साहब दो नाम आया है, उसमें से सिताब खां साहब का नाम सिताब खां साहब का नाम, उनका जो ब्रांच नीचे आते 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 द लास्ट मोस्ट प्रोमिनेंट नेम ऑफ दिल्ली घराना वॉज उस्ताद नत्तू खां साहब। वो अभी कौन से ज़माने में थे, थिरकवा खां साहब का नाम सुना आप लोगों ने, जैम जान थिरकवा खां साहब उनसे 7-8-10 साल बड़े थे नत्तू खां साहब, 1872-73 उनका जन्म, ये समझ लीजिए आप 73 और 1940 तक थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम, द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम इन दिल्ली घराना, ये सिताब खां साहब के लाइन से नीचे आया कई पीढ़ियों तक, चार